हेलो, बढ़िया बढ़िया। अरे वाह, इट्स वेरी नाइस। अच्छा, यस सिस्टर, तुर्किश आदम, तुर्किश लिरा, तुर्किश लिरा। थैंक यू, यू आर वेलकम। आई थिंक आई विल शेयर विद यू। ट्राई दिस। So let's see कैसे खाने में होगा। तुर्की इस्तांबुल ना तो सिर्फ है फूडीज डिलाइट या फिर वो जगह विच इज रिच विथ हिस्टोरिकल साइट्स, बट इट्स ऑल्सो अ शॉपर्स पैराडाइज। चाहे वो ग्रैंड बाजार हो, स्पाइस मार्केट हो, एंटिक स्टोर्स हो या फिर हॉट टूरिस्ट स्पॉट्स हो, आप जिधर जाएंगे आपको मिलेगी शॉपिंग करने के खूब सारे ऑप्शंस। आप वहां से क्या क्या खरीदेंगे और कहां से खरीदेंगे, चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। Hey! I am Naina and you're watching Naina's Travel Stories, जहाँ पे हम कहानियां सुनाते नहीं हैं, दिखाते हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं, मौसम भी बढ़िया है और ऐसे बढ़िया मौसम में चाय की चुस्की के साथ एक बढ़िया वीडियो भी तो बनता है ना। इन दिनों मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे तुर्की स्टोरीज या फिर टर्की सीरीज। एपिसोड 1 इज ऑलरेडी पोस्टेड। आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव वॉच्ड इट। अगर आपने नहीं देखा है एपिसोड 1, सो नो प्रॉब्लम, मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वो चेक कर सकते हैं। दैट वाज एन ओवरऑल आइडिया अबाउट तुर्की ट्रिप, मेजरली कवरिंग इस्तांबुल। नाउ शॉपिंग ट्रैवलिंग का एक ऐसा हिस्सा है दैट यू कांट डू अवे विथ। और मेरा आज का जो एपिसोड है दैट विल बी हाईलाइटिंग द शॉपिंग एक्सपीरियंस इन तुर्की। वीडियो तो आगे बढ़ते रहेगा, लेकिन एज यूजुअल एक जेंटल रिमाइंडर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, लाइक माय चैनल। इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो और प्लीज शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, with your near and dear ones, so that together we grow as a family. इस्तांबुल में या फिर तुर्की के कोई भी शहर में आप हो, जब आप शॉपिंग करने जाओगे तो पहले ही आप खरीदने मत शुरू करना। जहां भी हो उस मार्केट को पहले स्टडी करना, कुछ शॉप्स देख लेना कि एक ही चीज, एक ही प्रोडक्ट एक दुकान में कितने रेट में दे रहे हैं और दूसरे दुकान में कितने रेट में दे रहे हैं। You will find a great difference in that, and उसके बाद रेट्स कंपेयर करके अपना परचेज करना। इस्तांबुल में हम जब शॉपिंग की बात करते हैं, तब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो फेमस ग्रैंड बाजार है, स्पाइस मार्केट है या इजिप्शियन बाजार जो है वहीं से शॉपिंग करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। There are other many places also जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी। सो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना बीच में। तो चलिए एक एक करके आपको लेके चलते हैं इस्तांबुल के बाजार्स में। ग्रैंड बाजार की ओर चले हैं, तो लेट्स सी व्हाट ऑल वी कैन शॉप। एंड फाइनली द मच अवेटेड ग्रैंड बाजार। This is gate number 1, right across Nurosomania Mosque. यहाँ पे exchange, currency exchange के बहुत सारे outlets हैं. And finally we enter. Excuse me, come in. Hey, आ गए हम Grand Bazaar. इस्तांबुल में स्थित ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराना और सबसे बड़ा कवर्ड मार्केट है और यहाँ पे तकरीबन 61 कवर्ड स्ट्रीट्स हैं और 4000 से भी ज्यादा दुकानें हैं। 2014 के सर्वे अनुसार इसको मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिस्ट में वर्ल्ड में नंबर 1 माना गया था। और आज भी ये दुनिया का सबसे पहला शॉपिंग मॉल माना जाता है। सुल्तानामेट एरिया और सर्केसी एरिया में अगर आप हैं तो वहाँ से आपको ग्रैंड बाजार पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ट्रैम भी ले सकते हैं या फिर वॉक भी कर सकते हैं। वी ऑल वॉक डाउन टू ग्रैंड बाजार फ्रॉम सुल्तानामेट एरिया। हमने ग्रैंड बाजार एंटर किया था गेट नंबर 1 से और ये जो सीधा आप देख रहे हैं वो है गेट नंबर 7 जहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी ग्रैंड बाजार के बहुत सारे लेन्स बाई लेन्स हैं, लेकिन आप जहाँ भी जाओगे जिस भी लेन से जाओगे आपको बहुत सारे शॉप्स दिखेंगे। ऐसे एक के बाद एक शॉप्स दिखेंगे। जैसे मेरे लेफ्ट में देखिए एक लेन है, अभी राइट में आप चले जाएंगे तो वो एक लेन है और इन सारे लेन्स के दोनों तरफ ही शॉप्स है और वहाँ पे आपके मनपसंद चीज़ें, मन लुभाने वाले चीज़ें आप शोकेस में आपको दिख जाएगी और आप क्या लोगे क्या नहीं लोगे दैट विल बी योर कन्फ्यूजन। ग्रैंड बाजार में आते ही आप खरीदना मत शुरू कर देना, आप एक बार प्राइस कंपेयर कर लेना क्योंकि आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेचा जा रहा है, जो सुविनर्स गिफ्ट आइटम्स, वो मोर और लेस एक दो दुकान छोड़ के हर दुकान में वैसे ही तकरीबन एक जैसा चीज़ें हैं, तो आप प्राइस कंपेयर कर लेना क्योंकि रेट में बहुत डिफरेंस होता है एक दुकान से दूसरे दुकान का, तो वो आप चेक कर लेना। एंड जो गुरु मंत्र है ग्रैंड बाजार या फिर इस्तांबुल में शॉपिंग करने का वो है कि जब आप शॉपिंग करेंगे तो तोल मोल जरूर करना। यू हैव टू बार्गेन, दैट इज द मेन मंत्र ऑफ शॉपिंग इन इस्तांबुल क्योंकि रेट्स आपको ज़्यादा कोट करेंगे यहाँ पे, तो आप कितना बार्गेन कर सकते हो उसी हिसाब से आप अपने चीज़ें खरीदेंगे। ग्रैंड बाजार में करेंसी एक्सचेंज करने का आपको अच्छा रेट मिल जाएगी। सो इफ़ यू वांट टू एक्सचेंज योर करेंसी हियर तो यू कैन डू दैट। सो वो एक अच्छा ऑप्शन है, आपको बेस्ट रेट्स यहाँ पे मिलेगा। हमने लगभग 2 घंटे बिताए ग्रैंड बाजार में, कुछ शॉपिंग भी किए क्योंकि प्रोडक्ट्स यहाँ पे अच्छा है उसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि आप इन ऐसे प्रोडक्ट्स बाहर भी आपको मिलेगा जहां पे रेट आपको थोड़ा बेटर मिल सकता है, बट हमने यहां से शॉपिंग करके गेट नंबर 7 से निकली। सो हमने एंटर किया था एकदम उधर गेट 1 से, इधर से निकल रहे गेट 7। अगर आप ग्रैंड बाजार के अंदर से शॉपिंग नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप इधर से ग्रैंड बाजार के बाहर के स्टॉल से भी शॉपिंग कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि बाहर भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं, ईटिंग जॉइंट्स हैं। शॉपिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बार्गेनिंग आपको करना है चाहे वो ग्रैंड बाजार के अंदर हो या बाहर। अब चलिए आपको लेके चलते हैं इस्तांबुल की एक और मशहूर मार्केट स्पाइस मार्केट या फिर जिसका नाम इजिप्शियन बाजार भी है। इजिप्शियन बाजार या फिर स्पाइस मार्केट में आपका एक्सपीरियंस एक अलग सा होने वाला है और आपको याद रहेगा ये शॉपिंग एक्सपीरियंस। स्पाइस बाजार के अंदर जाते ही यू विल बी ऑस्ट्रक अगेन। यहाँ पे लगभग 85 शॉप्स हैं। आप जैसे ही अंदर जाओगे तो आपको ये दिखने में ग्रैंड बाजार जैसा ही थोड़ा सा लगेगा, लेकिन यहाँ के प्रोडक्ट्स अलग है। यहाँ पे जो शॉप्स है मोस्टली यू विल सी कि वहाँ पे टर्किश डिलाइट स्पाइसेस और स्वीट्स और सेवरीज ये सब ज़्यादातर बिक रहा है। टी, कॉफ़ी और तरह तरह के, मतलब इतने सारे वैरायटी शायद आपने नॉर्मली नहीं देखा है। इसके अलावा ज्वेलरी, सुवेनिर्स ये भी मिलता है यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, लेकिन मोस्टली दिस मार्केट इज फेमस फॉर स्पाइसेस एंड सेवरीज एंड टर्किश डिलाइट, ड्राई फ्रूट्स, इन सब चीज़ों के लिए। यहाँ पे जो शॉपकीपर्स है दे विल मेक यू फील वेरी वार्म एंड कंफर्टेबल, दे विल इनवाइट यू टू देयर शॉप। सो आपको जैसे ही जाएंगे चाय पिलाएंगे, चाय के लिए इनवाइट करेंगे, टर्किश डिलाइट के सैम्पल्स देंगे खाने के लिए। बट देन व्हाट यू वांट टू बाय और आप क्या लेंगे वो क्वालिटी और प्राइस चेक करके आप लेना। मैं सजेस्ट करूँगी कि स्पाइस बाज़ार के अंदर से आप ज़रूर खरीद सकते हो, आप अपना जो आप प्लान करके आए हो या फिर जो आपको इधर अच्छा लग रहा है। लेकिन इससे भी बेटर स्पाइस मार्केट के जो बाहर है, जो बाहर वाला लेन है, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का और बेटर प्राइस के चीज़ें मिलने वाला है। सो यू कैन एग्जिट फ्रॉम दिस गेट एंड go to that lane on your right next to Spice Market. इस मार्केट का जो वाइब है वो इतना पॉजिटिव है, इतना लाइवली है। यहाँ पे मुझे आके लगा था कि यहाँ पे एल्पेन से लेके एलिफेंट सब कुछ मिलता है और इस मार्केट का जो एनर्जी है वो एक अलग लेवल का था। एक हसलिंग एंड बसलिंग मार्केट, यहाँ पे कितने फॉरेनर्स आए हुए थे, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, क्या नहीं था इस मार्केट में। मतलब वंस यू आर देयर आपको थोड़ी देर के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्चुअली आप क्या लेने के लिए आए हो और लेना क्या चाहते हो एंड फाइनली आप क्या लेंगे। सो यहाँ पे आके तो वी वर रियली ऑस्ट्रक टू फाइंड सो मेनी वैरायटीज ऑफ स्पाइसेस, सेवरीज, टर्किश डिलाइट्स, कैंडीज। मतलब आपको क्या चाहिए था वो जो ऊपर आप देख रहे हैं, दीज वर दोज ड्राइड चिलीज, ड्राइड अबर्जन स्किन, फिर बहुत तरह तरह के स्पाइसेस हैं। ये जो माला जैसे लगा हुआ था, ऑल्दो वी डिड नॉट बाई ऑल दोज क्योंकि वहाँ से यहाँ पे कैरी करना मुश्किल है। एंड इवन द कैंडीज एंड ऑल दे वर सो टेम्पटिंग एंड सो वेल पैक्ड। और हाँ, इसके अलावा भी सैफरन, तरह तरह के फ्लेवर्ड टी, जो आइस टी के पाउडर होते हैं मिक्स होते हैं, वो सब भी था इधर। तो इट वाज सच अ कलरफुल और एरोमेटिक मार्केट की क्या बोलूँ। वहाँ पे आप जब जाओगे तो यू विल बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। ये जो होली के गुलाल जैसे ये दिख रहा था, ये एक्चुअली फ्लेवर्ड आइस टी था। और ये ड्राई फ्रूट्स एंड लोकम्स, अगेन यू विल बी कंफ्यूज कि क्या आप लेंगे और क्या नहीं लेंगे। ये जो टर्किश डिलाइट है ये बहुत सारे क्वालिटीज़ के होते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ के होते हैं। वो आपको टेस्ट करा देंगे लेने से पहले, एक बार नहीं बार बार। एंड नॉट ओनली द टर्किश डिलाइट, वो आपको चाय भी देंगे, चाय भी पिलाएंगे। दे विल मेक यू फील एट होम। एंड ऑफ कोर्स ये जो टर्किश डिलाइट और लोकम्स है ये आप ज़रूर लाना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के लिए। ड्राई फ्रूट्स दे आर सो फ्रेश, सो यम। और जैसे कि मैंने कहा था, स्पाइस बाज़ार के अंदर से ज़्यादा मुझे इधर का क्वालिटी बेटर लगा, फ्रेश लगा। एंड यस, व्हेन यू एक्चुअली गेट गुड क्वालिटी स्टफ यू डोंट माइंड पेइंग ऑल्सो फॉर देम। स्पाइसेस भी बहुत अलग अलग किस्म के थे। कुछ स्पाइसेस तो हम जानते भी नहीं थे, दे सीम टू बी न्यू। मैंने बिरयानी मसाला के बारे में पूछा जो कि मुझे नहीं मिला, उन लोगों को भी नहीं पता था बिरयानी के बारे में। तो फिर मैं कॉफ़ी खरीदने चल पड़ी। ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट कॉफ़ी आउटलेट इन इस्तांबुल। इसका जानकारी मैंने पहले ही लिया था। एंड यू शुड आस्क मी कि कितना बड़ा रश था वहाँ पे, कितना बड़ा क्यू था वहाँ पे। एंड वी हैव टू स्टैंड इन दैट क्यू टू गेट आवर कॉफी। हालांकि क्यू मूव करता रहता है बट आपको कभी नहीं दिखेगा, एनी टाइम ऑफ द डे यू विजिट देयर, आपको कभी नहीं दिखेगा कि काउंटर खाली है। वहाँ पे कंटिन्यूअसली लाइन लगा रहता है। स्पाइस बाजार से निकलते ही राइट हैंड साइड लेन पे आपको ये कॉफी शॉप मिल जाएगी जहाँ पे लंबी क्यू है। If you're fond of coffee, तो अपना पूरा stock लेके आना, because once you have that, you will not feel like having any other coffee. अब बात करते हैं चाय की। कॉफी के शॉप के 2-3 दुकान बाद ही आपको ये टी का शॉप मिल जाएगा, बीटा टी का। सो दिस इज एक्चुअली अ टी स्टोर जहाँ पे आपको चाय की बहुत सारे वैरायटी, फ्लेवर, क्वालिटी मिल जाएगी और प्राइस भी यहाँ पे बहुत ही एकदम सही है। प्रॉपर चाय अगर खरीदना है तो आप इसी दुकान से खरीदना, क्योंकि हमने बाकी दुकान भी चेक किए थे लेकिन इधर का जो मैंने कहा क्वालिटी, प्राइस सब कुछ एकदम स्टैंडर्ड है और लाइक वैरायटीज भी बहुत मिलेगी आपको इधर। और टर्किश टी, कॉफी अगर आप खरीद रहे हैं तो उसके लिए आई होप आपने टर्किश टी कप्स, टर्किश कॉफी मग्स और टर्किश कॉफी पॉट जरूर ले लिए हैं। अगर नहीं लिए हैं वो भी एक मेमेंटो के खातिर ले लेना, क्योंकि वो भी यादगार एक रह जाएगा आपके पास, टोकन फ्रॉम इस्तांबुल। बकलावा की बात करते हैं तो हफीज मुस्ताफा का जो बकलावा है वो सबसे मशहूर, सबसे पुराने हैं इस्तांबुल में। हमने वहाँ से बकलावा खरीदा था एंड यू विल गेट द बेस्ट फ्रॉम हियर। इसके अलावा एक और स्टोर है जहाँ पे आपको उसके पैरेलल क्वालिटी का बकलावा मिलेगा, वो है फारूक गुलगुलू और माडो। तो हमने इन तीनों स्टोर से बकलावा लिया था। इसके अलावा भी बकलावा के बहुत सारे मशहूर स्टोर्स हैं, आप वहां से भी ले सकते हैं, बट यू जस्ट कैन नॉट रिटर्न फ्रॉम इस्तांबुल विदाउट बकलावा। ग्रैंड बाजार, स्पाइस मार्केट या फिर टूरिस्ट स्पॉट्स छोड़ के अगर आप शॉपिंग का मजा लेना चाहते हैं तो आप आ जाइए इस्तिक्लाल स्ट्रीट। यहाँ पे आपको मिलेगी प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ऑल मेजर ब्रांडेड स्टोर्स, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप सिर्फ दिन के टाइम नहीं, इवनिंग के टाइम भी आपको बहुत अच्छा लगेगा इधर वॉक करने में, स्टोर विजिट करने में। यहाँ पे आप अगर थक जाओगे वॉक करते करते तो आप ट्रैम भी ले सकते हैं, तो इट इज अप टू यू, बट इट इज अ वंडरफुल फीलिंग टू वॉक डाउन इस्तिक्लाल स्ट्रीट। चाहे वो शॉपिंग हो या ईटिंग, दोनों के लिए इस्तिक्लाल स्ट्रीट इज जस्ट अ पैराडाइज एंड यू विल लव कमिंग हियर अगेन एंड अगेन। हमने जितने भी दिन इस्तांबुल थे शायद हम हर रोज ही इस्तिक्लाल स्ट्रीट आते थे एंड लाइक यहाँ का वाइब कुछ और ही है, इतना पॉजिटिव, इतना charming vibe है यहाँ का। So you will love exploring this place again and again. मदाम तुसो का एक ब्रांच है इस्तिक्लाल स्ट्रीट में। इसके अलावा यहाँ पे एक मॉल भी है जहाँ पे हम गए थे। यहाँ पे बहुत सारे लोकल प्रीमियम ब्रांड्स या फिर आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मिल जाएगी। स्टोर्स के अंदर या बाहर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए वो वीडियोस मैं कर नहीं पाई। यहाँ पे कॉरिडोर में ये मसाज चेयर्स होते हैं, तो हम चल चल के इतना थक गए थे कि हमने इसका मज़ा लिया। वी वर हियर फॉर सम टाइम। यहाँ पे जो एक मल्टी ब्रांड स्टोर है, हमने वहाँ से डिफैक्टो, द नेम इज डिफैक्टो, वहाँ से कुछ शॉपिंग भी किए। इस्तांबुल में बहुत सारे लोग आते हैं एंटीक शॉपिंग के लिए। सो एंटीक शॉपिंग के स्टोर्स आपको सब जगह पे नहीं मिलेगी। देयर आर फ्यू एरियाज, जैसे कि बलाट स्ट्रीट है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको कुछ अच्छे एंटीक शॉप्स मिल जाएगी उधर। सो यू कैन एक्सप्लोर दोज ओवर देयर। तुर्की में सेरेमिक्स के प्रोडक्ट्स जैसे कि बोल्स, मग्स, वासेस, ये बहुत फेमस है, और फेमस है हैंडमेड कार्पेट्स। लेकिन इन सब का शॉपिंग हमने इस्तांबुल से नहीं किया था। ये शॉपिंग हमने किया था कैपाडोकिया में, बिकॉज कैपाडोकिया इज़ द हब फॉर दीज थिंग्स। और वहाँ पे आपको जो डिज़ाइंस, जो प्रोडक्ट्स मिलने वाला है, you will not even find that quality in Istanbul or maybe at very rare places. इसका वीडियो मैं जल्दी ही शेयर करूंगी आपके साथ, stay tuned। और मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है, हाँ उसका एक झलक तो बनता है, तो यह दिया। इम्पॉर्टेंट बात, वहां से जब आप शॉपिंग करोगे कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं विच आर फ्रेजाइल, जो टूट सकते हैं, तो इसीलिए शॉपकीपर को बोलना अच्छे से बबल रैप करके अच्छे से पैकिंग कर दे। मेरे साथ ये हादसा हुआ था क्योंकि आई बॉट अ वेरी नाइस सेरेमिक मग अमंग अदर थिंग्स, और उन्होंने वो बबल रैप से पैक भी कर दिया था। मे बी आई हैड ओवरस्टफ्ड माय बैग। जब हम होटल वापस आए और चीजें निकाले तो देखा बबल रैप के अंदर ही वो मग पूरा टूटा हुआ पड़ा था। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो दुकानदार लेगा और द लॉस इज योर्स, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। लैंग्वेज का इशू तो पूरा तुर्की में है, लेकिन रेट्स आप समझ सकते हो बिकॉज दे विल कोट इन इंग्लिश। सो आप क्लियर कर लेना कि यूरो में है कि डॉलर में बोल रहे हैं या फिर तुर्किश लीरा में बोल रहे हैं, बिकॉज ज्यादातर जब हम इंडिया से ट्रैवल करते हैं मोस्टली वी पे इन तुर्किश लीरा, जो हम कन्वर्ट करके लेके जाते हैं। अगर आपके पास यूरो है या फिर डॉलर है, उससे भी पेमेंट कर रहे हो, प्लीज बी केयरफुल ऑफ द एक्सचेंज वैल्यू। अगर जिस शॉप से आप लेने जा रहे हो इट्स अ प्रॉपर शॉप, तो वहां पे क्रेडिट कार्ड भी ले लेते हैं। प्लीज डू नॉट अज्यूम, खरीदने से पहले आप क्लैरिटी ले लेना वेदर द शॉप एक्सेप्ट्स क्रेडिट कार्ड पेमेंट और नॉट। जब आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, इट विल बी अ गुड आइडिया दैट यू कैरी अ टोट बैग, मे बी अ कपल ऑफ देम, डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू प्लान टू बाय, बिकॉज वो जो छोटे छोटे सिविनर्स आप खरीदोगे तो उसके लिए आपको चीजें रखने के लिए द टोट बैग वुड हेल्प, एंड बहुत सारे पैकेट्स हो जाएगा तो आपको लेने में मुश्किल हो जाएगा, हाथ में कैरी करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो इट विल बी अ गुड आइडिया इफ यू कैरी अ कपल ऑफ टोट बैग्स विथ यू। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज एपिसोड, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपको कैसा लगा आज का वीडियो। कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको जानना हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे आप पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आने वाला है तुर्की पे, उस पे नजर रखना। प्लीज स्टे ट्यून टू मोर सच इंटरेस्टिंग एपिसोड्स ऑन तुर्की दैट आर कमिंग अप। मैं सारे वीडियोस के लिंक शेयर करूंगी। सो विद दैट आज मैं बाय बाय बोलने वाली हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में तुर्की का एक और इंटरेस्टिंग कहानी लेके। सो तब तक के लिए बाय।